मेरे टीचर हैं, मैं चाहता हूं कि एक बार उनके लिए भी आप अभिनंदन व्यक्त करें। सहजपाल अंकल हैं, आज हमारे बीच नहीं बैठे हैं। उन्होंने मेरे साथ एक सच्ची स्टोरी शेयर की थी। उनके किसी मित्र के यहां एक कबाड़ी वाला आता था, वो सामान बेचता था। तो वो शेयर कर रहा था कि साहब मैं जो है ना हमेशा कबाड़ी नहीं था, मैं एक अच्छा बड़ा बिजनेसमैन होता था। तो उन्होंने पूछा कि आप कैसे कबाड़ी बन गए? तो उन्होंने बताया कि मेरा एक बिजनेस पार्टनर होता था, हम दोनों बड़ा अच्छे से बिजनेस कर रहे थे और हमारा बिजनेस बढ़ गया। तो जब बिजनेस बढ़ गया वो मेरे पे बड़ा विश्वास करता था, तो मेरे मन में विकार आया, लालच आया। मैंने सारे कंपनी के शेयर अपने नाम ट्रांसफर करे और मैंने उसे धोखा दिया और बिजनेस अपने नाम पे कर लिया। उससे उसको बड़ा गहरा झटका लगा और वो बीमार हो गया, उसको हार्ट अटैक आया और वो एक्सपायर हो गया। कहता मेरे घर जी संतान नहीं थी, बड़ी मन्नतों से मेरे घर एक बच्चा पैदा हुआ। जब बच्चा पैदा हुआ वो बड़ा होने लगा तो वो बीमार रहने लगा, मेरा बेटा काफी बीमार रहता था। मैंने उसका हर जगह इलाज कराया, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, दरगाहों में, मंदिरों में, जहां मैं ले जा सकता था उसे लेके गया। कह रहा 10 वर्ष की आयु में वो हॉस्पिटल में था, बीमार था, मैं उसके साइड में बैठा हुआ था। तो उसने मुझसे कहा, पापा मेरा ना कुल्फी खाने का मन कर रहा है। तो मैंने उसे बोला, बेटा डॉक्टर ने ना मना किया है। तो उसने मेरे को जिद की, नहीं पापा बस आज तो एक कुल्फी खिला दो, एक कुल्फी खानी है बस। तो मैं बाजार से कुल्फी लेने गया और मैंने उसको कुल्फी ला के दी। मैंने कहा चल इतनी जिद कर रहा है, वैसे कभी करता नहीं, तो मैं वो कुल्फी उसके हाथ में दी। उसने बड़े इत्मीनान से कुल्फी खाई और उसने कहा, पापा जी बस अब ना मैं जाऊंगा, इस कुल्फी के साथ ना हमारा हिसाब पूरा हो गया। मैं कहा, बेटा कैसी बातें कर रहा है? कह रहा, आपको याद है आपका एक पार्टनर था जिसको आपने धोखा दिया था और वो मर गया था? मैंने कहा हाँ बेटा। कहते वो मैं ही हूं, आज अपना हिसाब पूरा हो गया और मैं जा रहा हूं, और मेरे सारा बिजनेस का पैसा उसके इलाज में खर्च हो गया था और उसकी डेथ हो गई। कहते इसलिए आज मैं कबाड़ी हूं। ये लॉ ऑफ कर्म है दोस्तों, ये ओरिजिनल स्टोरी है, सत्य कहानी, लॉ ऑफ कर्म। आखिरी कुल्फी भी खा के गया वो, बैलेंस। तो जब आप कर्मा की बात करते हैं तो इस विशेष सर्कल को तोड़ा कैसे जाए उसकी बात करने की बारी आ गई। हम सब यहां हैं, हमारे संबंध हैं, जो भी लोग आपके आसपास हैं, आपकी पत्नी, आपकी सास, आपकी पुत्री, आपके पुत्र, आपके पार्टनर, आपके दोस्त, आपके सखा, आपके साथी, कुछ लोग जो तुम्हारी तरफ खड़े हैं, कुछ जो तुम्हारे विपरीत खड़े हैं, ये वो कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो आपको तकलीफ देते हैं? ये कौन है जिसने आपको सड़क पे पीट दिया, झगड़ा कर लिया? ये वो हैं जिनके साथ कभी ना कभी अपनी जीवन यात्रा में कोई ना कोई इमोशन एक्सचेंज हुआ है। अब उनकी बारी है, अब उनकी बारी है। आप उन्हें बदल सकते हैं? नहीं, आप दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं और इस विशेष सर्कल को तोड़ सकते हैं। कर्मा को तोड़ने की जो चाबी है वो दो शब्दों में है। कौन से दो शब्द हैं? बहुत अच्छे, कौन बोला प्लीज जोर से बोलिए, क्षमा। और एक और शब्द, एक क्षमा और दूसरा आभार, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। अब मैं समझाता हूं आपको इन दोनों शब्दों की क्या ताकत है। मुझे मेरे ही
एक संबंध में है, एक सास में और एक उसकी बहू में काफी झगड़ा है, बहुत तकलीफ में दोनों के दोनों, और दोनों इवेंट बाय इवेंट मुझसे बात करते हैं, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, इसने कर दिया। मगर पहले अगर मैं होता तो मैं उन इवेंट्स में फंस जाता, घटनाओं में फंस जाता कि किसने गलत किया किसने सही किया, एम राइट? लेकिन अब मुझे मालूम है कि घटनाएं तो खाली नंबर हैं, असली बात तो इमोशंस की है जो कार्मिक बैगेज दोनों के पास हैं और एक्सचेंज कर रहे हैं। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जो व्यक्ति आपके साथ जो कुछ कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि कभी ना कभी आपने भी उसके साथ वैसा कुछ किया था, इस जन्म में या पूर्व जन्मों में। तो आपके साथ अगर कुछ गलत होता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एकांत में बैठ के मेडिटेशन करनी है और अफर्मेशन करते हुए उनको अनकंडीशनल लव देना है, चाहे कितना भी गलत किया हो, मुश्किल काम बता रहा हूं पर यही एक तरीका है, और उन्हें माफ करना है। आपने परमेश्वर से कहना है, परमात्मा इसको नहीं मालूम कि ये क्या कर रहा है, अगर मैंने कुछ भी इसके साथ पूर्व जन्मों में गलत किया है तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं, और अगर इसने मेरे को किसी जन्म में पीड़ा पहुंचाई है तो उसके लिए मैं इसे क्षमा करता हूं।